कोरोना संक्रमण का खतरा कम होते ही सुजानपुर मैदान में खेल गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इसी तर्ज पर सुजानपुर मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। नगर परिषद सुजानपुर के पूर्व अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने बैट घुमाकर बल्लेबाजी करते हुए इस क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जेडीसी क्लब सुजानपुर द्वारा आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट में करीब 2 दर्जन खिलाड़ी टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता का समापन 15 नवंबर को होगा। इससे पहले प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पहुंचे नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष मनोज ठाकुर, वर्तमान बार पार्षद अनीता कुमारी, संदीप कुमार एवं सुमन अटवाल आदि ने खिलाड़ियों से परिचय करते हुए उन्हें इस प्रतियोगिता में खेल को खेल की भावना से खेलने की अपील की और कहा कि जब भी मौका मिले इस तरह के खेल आयोजन होते रहने चाहिए। उन्होंने आयोजनकर्ता जेडीसी क्लब को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं जब भी होंगी उन्हें युद्ध स्तर पर बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने अपनी ओर से आयोजनकर्ताओं को 21,000 की राशि भेंट स्वरूप दी। वहीं वार्ड पार्षद अनीता और सुमन ने 1,100 रुपए और पार्षद दीप कुमार ने 2,100 की राशि भेंट स्वरूप प्रदान की। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 15 नवंबर को होगा, जिसमें विशेष खिलाड़ी, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर सभी को अलग अलग सम्मानित किया जाएगा। सुजानपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य पे श्री एक्स प्रधान मनोज ठाकुर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और हमारे को 21,000 रुपए राशि प्रदान दी गई। जेडीसी क्लब द्वारा सुजानपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जा रहा है, उसका उद्घाटन श्री एक्स प्रधान मनोज ठाकुर द्वारा करवाया गया। उनकी तरफ से हमारे को 21,000 रुपए की राशि दी गई और इसमें 15 नवंबर तक ये टूर्नामेंट चलेगा और इसमें 25 टीमें भाग लेंगी।